बाबा बाबा आज आप सबके बीच में एक गीत भेज रहा हूं हरिओम म्यूजिक की तरफ से। अब मेनू भाई की देखरेख में आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप लोग पसंद करेंगे उस गीत को। एक साधु की गाथा है और एक साधु के द्वारा इस गीत को लिखा गया है। साधु की कहानी है और साधु ने लिखा है, इसलिए साधु ने लिखा है वही मैं बात बता रहा हूं। अगर हमारे कहने में कुछ गलती होगी तो क्षमा करेंगे, चूंकि एक साधु का लिखा हुआ गीत है। साधु के ऊपर कटाक्ष किया है साधु ने। क्या साधु कहते उसे जो सधे साध्य में, साधना ही सुशीलता का मूल सार है। साधु बन के सहनशील सीखा नहीं, गेरुआ बस्तर रंगाना तो बेकार है। देखिए इस बात को साधु ने कहा है कि साधु कहते उसे जो सधे साध्य में, साधु की परिभाषा बताया है उन्होंने कि साधु होता क्या है। साधु कहते उसे जो सधे साध्य में, साधना ही सुशीलता का मूल सार है। साधु बनके सहनशील सीखा नहीं, गेरुआ बस्तर रंगाना तो बेकार है। साधले मठियो मंदिर अनेको तरह, अरे कर नहीं दर्द दिल में न उपकार है। साधले मन को साधन से साधु वही, दास उपेंद्री जहां प्यार ही प्यार है। देखिए साधु, इस धरती पर कोई साधु बनना नहीं चाहता। कुछ साधु ऐसे हो गए जो कलंक लग गया साधु के ऊपर, लेकिन हकीकत में जो सज्जन है वो साधु है, और जिसके ऊपर कलंक लगा है वो साधु थोड़ी है। वो साधु के वर्दी को बदनाम कर रहा है। रावण भी साधु नहीं था, अपना काम करने के लिए कुछ समय के लिए साधु बना था। उसी ढंग से गलत काम करने वाले साधु बने हैं, न कि साधु हैं। आगे की लाइन नजम में है मास्टर। बाबा बालक साहेब की अनुपम कहानी है, बाबा बालक साहेब की अनुपम कहानी है। सुना हर गांव गली बूढ़ों की जुबानी है। जिला है जौनपुर मड़िया हूँ मोकलपुर वासी, जिला है जौनपुर मड़िया हूँ मोकलपुर वासी। आत्मा राम दुबे के घर जन्मे सुख राशि। अकेले बेटा माई बाबू के दुलारा थे, बड़े अरमानों से पाले हैं एक सहारा थे। करते पूजा पाठ ध्यान में ही खो जाते। शिवानंद दुबे नाम के एक छोटा सा बालक है जिनके पिताजी का नाम आत्माराम दुबे है। जौनपुर में मणियाहू तहसील में मोकलपुर बड़ा ही सुंदर गांव है, वहीं पर रहने वाले शिवानंद दुबे बचपन से ही पूजा पाठ में जब मन लगने लगा। शिवानंद दुबे नाम बचपन के निराले थे,
बड़े ही नटखट देखने में भोले भाले थे, प्राणों के आयाम करने का अभ्यास करें, लगा के धुनी जहां घंटों योगाभ्यास करें। बचपन से ही साधुता की तरफ बढ़ने लगे, और जब बढ़ने लगे साधुता की तरफ, एक लाइन गीत लगी मास्टर, मानव का करने तारन तार आए साहेब जी, मानव का करने तारन तार आए साहेब जी, भगतों का हरने वाले भार आए साहेब जी, भगतों का हरने वाले भार आए साहेब, पिता घबराए बेटवा होई जाए साधु, बाबू सोचन की बेटवा हमार साधु बन जाए, धरती पर साधु बनावे चाहत बेटवा के, डाकू हो जाए कुछ माल ले आए के दे साधु बन जाए तो का मिले, पिता घर बनाए बेटवा होई जाए साधु, कई के विवाह कैसो माया में बांधू, पैरों की बेड़ी सुंदर नारी लाए साहेब जी, नारी लाए साहेब जी, भगतों का हरने वाले भार आए साहेब जी, इस धरती पर जब कोई महापुरुष अवतरित होता है आता है तो समाज को सुधारने के लिए, जन कल्याण के लिए साहेब आए, लेकिन पिताजी सोचे कि बेटवा हमारा साधु बन जाए ठीक ना है बा, बाबू फट से आनंद फानन में व्यवस्था किए, शादी की तैयारी किए और शादी करा दिए, एक लाइन गीत लगी मास्टर, एक पर्दा बढ़ा लिया, कौनो दुल्हन के दुल्हा साधु हो गए रहन, देखा हम तर जो गायत ना साधु मास्टर, उप मास्टर मंगला मास्टर, कोनो दुल्हनी के दुल्हा साधु हो गए रहन, और साधु हो गए रहन दुल्हनिया रोवत आ, यहाँ देश परदेश गए दो चार साल को बर्दाश्त ना कर भोकार छोड़ के रोवत है, पूरा जीवन बिना चला गए बेचारी रोवत है कैसे, नन्हवई करम मोर जरी गे, नन्हवई करम मोर जरी गे, बलम मोर जोगी छयल मोर जोगी निकल गए, जाई कहई अपने भैया के गवा, जाई कहई अपने जब दुल्हनिक दुल्हा साधु हो गए बच्चे लाल भाई, तो जाई के कहता, जाई कहई अपने भैया के अगवा, जौने बर के लउआ पर छल, जौने बर के लउआ पर छल,
बड़ा जोगी निकल गए। शिवानंद दुबे की शादी कर देते हैं उनके पिताजी आत्माराम दुबे। और जब शादी हो गई, खुशी खुशी भैली विदाई, खुशी खुशी भैली विदाई, दुल्हन गईली घरवा में आई। लेके अरमान दिल में सोचे गुजरिया, जवन दुनिया के घरे का रीति रिवाज बा वही हाल वहाँ भी होती है। वो बेचारी दुल्हन अपने घर में बैठ करके अपने पति का इंतजार कर रही है। आई है सजन मिली है हमारो सावरिया, सोरहो सिंगरवा सजाई, अरे सोरहो सिंगरवा सजाई, दुल्हन गईली घरवा में आई। अरमान लेकर के घर में बैठी है लेकिन उल्टा हो गया। शादी तो पिताजी कर दिए और जा करके रात में निकल जाते हैं घर छोड़ करके शिवानंद दुबे। कुछ ही बगल में एक जंगल था, जिस जंगल में चारों तरफ लकड़ी जलाते थे और बीच में बैठ करके तपनी तापते थे गर्मी के भी महीना में। उसी जगह पर जाकर के रात लेट गए और रात में सोए और कुछ समय बिताए वहां पर, फिर वहां से निकल गए। और निकल गए, गए कहां पर तेरी भाव लगा मास्टर। श्रृंगार जब यंगार बन गया, जो सिंगार इंतजार कर रहा था अपने पति परमेश्वर का वो अंगार हो गया। सिंगार जब यंगार बन गया, नैया पीछ भंवर में छोड़ चला मझधार। चल दिए छोड़ करके, हुआ क्या मास्टर करके स्वर हऊ सिंगार पिया यही है हमार। कई के स्वर हऊ सिंगार पिया यही है हमार, जो है सजिया पे नार लेके प्यार सजना, खूब सपना सजाई रात मिलन की है आई। दिल का प्यास बुझ जाई रंगदार सजना, गम का छाई है बदरिया छल छोड़ के नगरिया, घर में डाली के गुदरिया रंगदार सजना, घरवा भैले वीरान, घरवा भैले वीरान बनी सजी मसान बनी खटरी बेजान निराधार सजना। जीव बिन देह नदी बिनु बारी, तई सही नाथ पुरुष बिनु नारी। वही हाल हो गई, बेचारी घर में बैठी है और पति गायब। हुआ क्या मास्टर, एक लाइन गीत लगी। निकल दिए रात में, पहुंचे बनारस के धरती पर, काशी में पहुंचे। गुरु की चरनिया में जाई हो, गुरु की शरणिया में जाई हो,
मन रमा लिहल बाबा ज्ञानी गुरु पाके जोगवा रमाई देखिए गुरु ही ज्ञान है, अगर ज्ञान नहीं तो गुरु नहीं, समर्पण नहीं तो शिष्य नहीं, वो अज्ञान है। इसलिए जब असली गुरु मिल गया, सच्चा गुरु मिल गया तो राह मिल गई। ज्ञानी गुरु पाके जोगवा रमाई बारह बरिस में गए सीधी पाई बारह वर्ष तक जाकर के तपस्या किए बनारस के धरती पर काशी में। उसके बाद वहां से निकले एक साल तक जाकर के अष्टभुजी मिर्जापुर में अष्टभुजा देवी के दरबार में तपस्या की। वहां से पता नहीं क्या दिल में आ गया, क्या मन में आ गया कि गुरु का उपदेश हो गया, बात समझ में नहीं आई, फिर वापस आ जाते हैं 13 वर्ष के बाद अपने गांव पर, जहां पर तपनी तापने का काम करते थे चारों तरफ आग जला करके, उसी जगह पर आ गए और वही काम फिर चालू कर दिए। लोग आते थे, देखते थे, चले जाते थे, वहां दो चार शिष्य भी रहने लगे। लेकिन हुआ क्या, घूमत फिरत एक दिन आई हो मन रमा लिहल बाबा समय बीत रहा है। एक दिन की बात है, बाबा बालक साहब के नाम से जाने जाते थे और एक दिन उनकी वृत्ति थी भोर में 4 बजे उठते हैं, चिलम पे गांजा बना करके रखते हैं और गांजा को पीना चाहते हैं, लेकिन आग नहीं मिल पाई। आग नहीं मिल पाई तो हुआ क्या, बीत गई रात बाग मुर्गा सुनाई जान भर हरिया बाबा आसन लगाई गाजा की चीलम चढ़ाई हो मन रमा लिहल बाबा गाजा की चीलम चढ़ाई हो लगे आग खोजने कहीं आग नहीं पाए। आज के जमाने में घरे घरे लाइटर और माचिस रखा बा, उस जमाने में एक घरे आगे सुलगावा रहे तो गांव भर मांग के लेके जाए। ज्यादा से ज्यादा 100 साल पहले की बात है। और हुआ क्या, आग के चक्कर में देखिए अब गांजा धीरे धीरे सता रहा है पीने के लिए। और किए क्या, वहां के लोग जो बैठे थे उनसे पूछे कि यहाँ पर एक बाबा जी बाल साधु रहते थे 12-13 साल पहले, आग जला करके तपनी तापते थे, वो जगह आपको पता है, सब घास जाम गया था, सब बड़ी बड़ी घासें जमी थी। और लोगों ने बताया कि हाँ बाबा हम जानते हैं। आप कैसे जानते हैं, देखिए अपनी पोल नहीं खोल रहे हैं, अपनी राज नहीं बता रहे हैं। कहे मैं जानता हूँ, वो स्थान कहाँ है बता दो, एक लाइन गीत लगी मास्टर। बारह परी सवाली पहले कपतिया याद आई हो गई लीना याद आई हो गई लीना कि कोई साधु धुन रमाई याद आई हो गई लीना
कोई बाल साधु यहाँ धुनी को रमाते थे। ओके मद मस्त यहाँ हरी धुन को गाते थे। पूछ रहे मानो जैसे कई के ढिठाई याद आई हो गई लीना कि याद आई हो गई लीना कि कोई साधु धुन रमाई याद आई हो गई लीना। लोगों ने कहा कि बाबा चलिए मैं स्थान दिखाता हूँ। जा करके वहाँ जब पहुँचे एक सणसा था उनके पास चिमटा, उसी चिमटा से जा करके खींच करके मारते हैं जमीन में। और 13 वर्ष के बाद, ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, कपोल बात नहीं, आज भी ऐसे उस पूरे क्षेत्र में ऐसा कोई संत नहीं है जो जिंदा जिंदा समाधि लिया हो। वो बाबा जी जिंदा जिंदा समाधि भी लिए थे, पूरी मैं बात बताऊंगा, लेकिन जा करके वही आग उठाते हैं, लेके आए गांजा की चिलम पर रखे और पीना चालू कर दिए। हल्ला मची सवेर हो, हल्ला मची जोन कुटीवा पे बाबा जी आए हैं, जहां पे बाल साधु शिवानंद धुनी रमाते थे उसी जगह से अग्नि निकाल दिए 13 वर्ष के बाद और गांजा पीने लगे। चमत्कार को दुनिया नमस्कार करती है, चल दिए लोग देखने के लिए। और जब लोग देखे भी ना आए न हो वही बाबू आए रहन देखे भी ना। अब बाबू की जब पता लगा बाबू आयन सतमें सतमें पिछुआ पिछुआ कर माई भी आयन विदेशियम भाव मास्टर। बाबू पूछन निगहिया पड़ी शिवानंद के ऊपर, 13 वर्ष के बाद अपना लाल देख रहे हैं। देखे के बाद कि बाबा जी आपका नाम क्या है, आप कहाँ के रहने वाले हैं? कहन की महाराज साधु की, साधु का कोई स्थान नहीं है, रमता जोगी बहता पानी कहीं से चला आया कहीं चला जाएगा, लेकिन नाम क्या है बाबा? कहे नाम लेकर के क्या करोगे? कहे आपका नाम शिवानंद दुबे तो नहीं है? ना 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 ऐसा कुछ बात नहीं है। पिताजी को अपने बहका ले गए, पिताजी जान नहीं पाए, लेकिन शक है माई पहुंच गए हो। जौनी समय माई पहुंची बा, माई की निगहिया पड़ी शिवानंद दुबे के पास और जाय के पकड़ के लिपट के लगी रोए। लोग देख रहे हैं कि आखिर हो क्या गया, बात क्या है, लेकिन माई कहे कि तू समझत ना है के है शिवानंद दुबे है। अरे कहे महतारी शिवानंद दुबे दु मैं नहीं हूं। लगे बहकाने माई कहस का, बछड़ा के देख जई से धावे धेनु गई या हो, ओसे धावे माई आज पाई के ललनवा, नवही महीना पुत हई कोखिया में ढोली रे, और कैसे भूल गई ले मरदू लार रे सुगनावा। अरे बेटा, अरे तू अपने बाप को बहका सकता है? आज जो ही मैं तेरे सामने आकर के खड़ी हुई, हमारे अंग की हर इंद्रिया गवाही दे रही हैं। खून का मोह किसे न होगा जो अपना हो खून, ये हमारा ब्लड जलाए के तब तो तुम्हें पैदा किए है बेटा। जो तेरा टुकड़ा है मांस का, मांस माने जानते हो क्या होता है, माँ का ही अंश मांस है, इसलिए हमको नहीं बहका सकता तू शिवानंद दुबे है। माई रोई के कहेस का, कहे बछड़ा के देखी जई से धावे धेनु गई या हो, वैसे धावे माई आज
पाई के ललनवा, कहना वही महीना पूत कोखिया में ढोली हो। और कैसे भूली गई ले मरदू लार रे सुगनवा, हमारे बुढ़ौती का बनवा सहारा एक दिन अवरथी उठाई देव पानी पिंडा तनवा, गले से लिपट कर रोवई बुढ़िया माई हो। औ बाबू रोवई झरा झरा बरस नयनवा, जितने माई रोवत है उतने बाबू रोवत है। वहां के लोग जो खड़े थे इकट्ठे थे सब देख करके रोने लगे कि अरे बाप रे बाप, ये तो शिवानंद दुबे हैं। माई वह डढ़िया बरवा देख के बड़ा बड़ा वह सहलावा था कि बाहर बेटा हमारे पास तुम्हारे सिवा और कोई नहीं था, एकलौता संतान तुम थे, और तुम भी बुढ़ौती में छोड़ के चला गया लाल। ये बतावा का करी ये खबरिया, अब अही तक तो ठीक बा, खबरिया जोनी समय घरे लगी बा उनके धर्म पत्नी के, 13 बरिस के बाद 12 बरिस के बाद चल देती है, अपनी सुध बुध भूल गई। इतना दिन तक पर्दा में रह के घरे में अपन बितावत रहें, लेकिन पता पाएन कि जैसे हमार शादी भाई बा वो आई के जंगलवा में बैठा है, वहां से चल देती है पहपट में भाव मास्टर। अरे तबले आके रोवे लगी लुगैया नैया या धजल में, और कवन कसुरवा छोड़ के गईला सैया नैया या धजल में, बरस तक जोगर मौला दई के मोरे कुर्बानी हो। और तोहरे ऊपर ने वछावर कई देहली चढ़ल जवानी हो। कबहो विचार की है घरे में लिया बैठा के छोड़ चला गए, आखिर हमार कौन कसूर रहा, आखिर हमारी क्या गलती थी। 12 बरस तक जोगर मौला दई के मोरे कुर्बानी हो, तोहरे ऊपर ने वछावर कई दिहली चढ़ल जवानी हो। बनाल दासी करब हम सेव कैया नैया या धजल में, कमर कसुरवा छोड़ के गईला सैया नैया या धजल में। बाबा बालक साहब के पास कोई आवाज नहीं है, एकदम अस्तब्ध हैं, एकाग्रचित होकर के शांत होकर के बैठे हैं। माई रोवत हैं, बाबू रोवत हैं, औरत रोवत हैं, परिवार के लोग समाज के लोग रो रहे हैं, लेकिन कहां सुना अब हम जोगी बन गए हैं, अब दासी ओसी हम न बनाई पाए। माया मत बढ़ावा, कहें एक बात जान ल, अगर आपने जोगी बनकर के जोग रमाया है तो हमने भी कम तपस्या नहीं किया है। 12 वर्ष तक आपके नाम की माला बना करके हमने जाप किया है, और उही देन बाग तो हैं आवे की पड़ा। कहें परी के जोगी जोग न मौला दई के रही के बीच बनावा हो, और नाम का तोहरे बना के माला जपली रात तो दिनामा हो। आधा भोजन सोती टाट चटैया नैया या धजल में, और कवन कसुरवा छोड़ी के गईला सैया नैया या धजल में। जब से आपने घर छोड़ा है हमने कभी चारपाई पर पैर नहीं रखा, चटाई बिछाई के वहीं पर सोई थे वहीं पर रही थे। अगर आप जंगल में रहत हम वहीं यहाँ रह के घर में कम तपस्या ना किए हैं। आपके माता पिता की हमने सेवा किया है, हमारी एक मांग पूरी होनी चाहिए। कहन का चाहत हवाल हम प्रमाण मास्टर।
कहे हथवा कमे हदी हो अरे धूमिल नाही भैली भैया नाही शरमायल हो कजरवार रतनार पाव पाए जनियाना से जरिया पे बाजल बाबू नाही मोर गोदी या हो भैली कुलजार देखिए आपके ही आस में आपके ही इंतजार में मैं आशा लगा करके बैठी हूँ। अगर हमार मांग न पूरी करवे तो ठीक न खाए कहें चाहत का हो जो मांगना है मांग लो आज कहें दे न पौबे तू साधु है तोहरे बस कना है कहें एक धरती पर साधु ही ऐसा है अगर समझ सोच के सही मांग लेबू सवाल सही रहे तो जवाब मिल जाए मिल जाएगा आपको जो मांगना हो मांग लो लेकिन समझ सोच के मांगो। कहन हम महतारी बने चाहत है एक ठे बेटवा पैदा होए और बेटवा पैदा होए कैसन होए तोहरा कि नाय होए कहे नाही कहे हाँ अरे बन के ब्रह्मचारी जोगी जोगवा रमावे तोहरा कि नाय जोगी बने ब्रह्मचारी बने और जोग के रमावे अरे बन के ब्रह्मचारी जोगी जोगवा रमावे अब इतिहास साक्षी पूजै बार बार देखा हम साधु है तो हमसे पहले बताए समझ सोच के मांगे एक साधु से ही कहां अपेक्षा करत हो कहां से बालक दे पाएगा कहां से बच्चा देगा कहे लेकिन हम महतारी बने हमारी इच्छा बा कहे तू माई बने चाहत हो कहे हाँ कहे पक्का कहे हाँ कहे टलबू ना कहे बिल्कुल न टलब अपने से अटल रह खड़ी मास्टर अरे माता बन जा कहे माई बने चाहत हो तू आज उसे माई बन जा तू के कर हमार माई बन जा माता बन जा बालक हमनी भई बस थवा अपने गोदिया का हम के बना ला बेटावा नहीं कोई पत्नी है मेरी सभी हो गई माता जोग में भोग न हमसे होई सुनीला भाग्य विधाता मैं साधु बन चुका हूँ अगर माँ बनना है तो आज से मेरी माँ बन जाओ मैं आपका बेटा बन जाऊंगा। इसीलिए हमने बताया शुरू में इस शिवानंद दुबे जो हैं कैसे बाबा बालक दास हुए बाबा बालक दास इसी से हुए कि अपने पत्नी को माता के रूप में माता माना उनके चरणों में जाकर के गिर गए और उन्होंने अपना बेटा मान करके अपने साथ रखा वहीं पर तपस्या करने लगे और उन्हीं के नाम से आज बाबागंज की धरती है मोकलपुर के पास। इतना ही नहीं तपस्या बंद करने के बाद उसी स्थान पर जा करके समाधि का स्थान खुदवा करके उसी में बैठे और जिंदा जिंदा इशारा किए कि उसको ढक दिया जाए और एक काल्पनिक कथा नहीं हमने शुरू में बताया एकदम सच्चाई है। आज भी वहां पर जे भी जाए कि अगर झूठ बोलत है या तो रोते घरे जाए या तो पेट पिराए ओकर या शरीर पिराए और कितना वहां पुलिस वाले आवत हैं वहीं मंदिर पे बुलवाए के चोरी वाली बात हो हत्या वाली बात हो कितना बुलवाए के वहीं क्लियर कह देते हैं।
कहना है मास्टर। पर्दे में सिंदूर किनारी देहली घूंघट टारी, बालक बालक रही पुकारी लेहली गोद सवारी। माता कही के जीवन भर निभाए सथवा, अपने गोदिया का हमके बनाला बेटवा। आज भी उस स्थान पर लोग झूठ बोलने से कतराते हैं, भागते हैं। इसलिए हमारे गुरुजी ने, बाबा उपेंद्र साहब ने एक गीत लिखा, तो हमारे कवि जी शिव जगत कवि ने कहा कि साधु होकर के इतना मेहनत करके गीत लिखे हैं, इसको रिकॉर्डिंग जगदीश कराओ जरूर। गंगा शरण गुरु चरण के सेवक नारायण दास पुजारी, वहां के जो महंत है नारायण दास, बड़ी मेहनत करके उस धाम को जब से आए हैं सवरने का काम किए हैं। गंगा शरण गुरुचरण के सेवक नारायण दास पुजारी, करके अथक परिश्रम दिहल है बाबा धाम सवारी। श्रृंगार जब अंगार बन गया, श्रृंगार जब अंगार बन गया, कहते दास उपेंद्र जगदीश कर लो प्यार। सिंगार जब अंगार बन गया।